घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉन्सिल की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक बहुत ही शानदार उपाय। दोस्तों, टॉन्सिल्स यानी गले के अंदर प्रभावित भाग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, मौसम में बदलाव होने पर अक्सर टॉन्सिल की समस्या सामने आती है। खासतौर पर ठंडे मौसम में ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है। दोस्तों, इससे बचने के लिए जानते हैं इसके लक्षण और उपाय के बारे में। टॉन्सिल होने पर गले में खराश बनी रहती है, साथ ही जलन भी महसूस होती है। इसके अलावा टॉन्सिल के बढ़ने पर कभी कभी उसके आसपास के टिश्यूज में इन्फेक्शन के कारण मवाद यानी पस पड़ जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बुखार आता है और खाना निगलने में तकलीफ होती है, मुंह खोलने में दर्द होता है। इसी तरह की कई तकलीफें सामने आती हैं और सही समय पर इसका इलाज ना होने पर ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। टॉन्सिल से बचने के लिए गरारे करना बेहद फायदेमंद है। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा अचूक उपाय जो आपको टॉन्सिल की बीमारी से सिर्फ एक दिन के अंदर छुटकारा दिला देगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो चाहिए आपको एक कप गर्म पानी और दूसरा चाहिए आपको सेब का सिरका। दोस्तों, सेब का सिरका यदि आपके घर में नहीं है तो किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको लेकर आ सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आप एक कप गर्म पानी ले लीजिए और उसमें दो चम्मच सेब का सिरका मिलाइए और सेब का सिरका मिलाने के बाद इससे आप गरारे कीजिए। इस तरह ये नुस्खा बनकर आपका तैयार हो जाता है। इस पानी से यानी सेब के सिरके के पानी से आप दिन में 3 बार गरारे करेंगे, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों, पहले ही दिन आपको टॉन्सिल की बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा और यदि एक दिन में छुटकारा नहीं मिलता है तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक लगातार इसी तरह 3-3 बार गरारे करने से 100% आपको फायदा होगा और आपको टॉन्सिल की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको कुछ परहेज भी करने होंगे। आपको ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, जैसे आइसक्रीम है, और ज़्यादा ठंडा पानी इसको भी सेवन ना करें, और इसके साथ जो खट्टी चीज़ें हैं उनका भी सेवन ना करें जब तक टॉन्सिल्स पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताया गया नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।